सबसे पहले तो इंटेलेक्ट डॉक्टर फोरम का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी कोई एकेडमिक एक्टिविटी करते हैं तो मुझे ज़रूर बुलाते हैं। ऐसा मुझे लगेगा शायद मैं भी इसका कोई अहदेदार या पार्ट हूँ। तो बहुत शुक्रिया अगेन। कैन आई हैव स्लाइड चेंजर? अच्छा, मेरी कोशिश होगी कि मैं हार्ट फेलियर की ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं, असेसमेंट के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस होते हैं और जो प्रॉब्लम एक प्राइमरी केयर लेवल पे या एक इनिशियल स्टेजेस पे नज़र आते हैं हार्ट फेलियर से रिलेशन में, तो उनको ज़्यादा तो इट विल बी अ केस बेस्ड काइंड ऑफ थिंग विद सम बेसिक्स इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। अच्छा, इस हवाले से अभी ये थोड़ा सा डिस्कशन दिया था, कैन वी हैव इट ऑन स्लाइड शो? इसको अगर आप स्लाइड शो पे कर देंगे तो ज़रा आसानी होगी। ठीक। अच्छा, इसमें ये अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया था, फेसबुक पेज भी हो, ये सारी मेहनत उसी के लिए थी। इट विल बी गोइंग लाइव ऑन फेसबुक दिस लेक्चर एज वेल एज यूट्यूब चैनल पे लातादाद एकेडमिक वीडियोस भी हैं और जनरल पब्लिक के लिए भी हैं। इवन यू कैन गाइड योर पेशेंट्स टू सी दैट, सिंपल बातों में बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि क्या चीज़ क्या है। अक्सर लोगों को एडवाइज़ होता है एंजियोग्राफी क्या है, बाईपास क्या है, एंजियोपल, तो ये तमाम बातें इस पर मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। सो आई विल बी कवरिंग डायग्नोजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। अमूमन लोग हार्ट फेलियर को इस एज सच खुद एक एटियोलॉजी समझते हैं। इवन हमारे जूनियर्स जब भी वो डिस्चार्ज कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, पल्मोनरी एडिमा सेकेंडरी टू LVF, देखें LVF या हार्ट फेलियर कोई एज सच खुद एटियोलॉजी नहीं है। इट्स अ सिंड्रोम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। There must be something behind this heart failure. वो देखनी होती है कि इसमें क्या वजह बनी। और कभी कभार प्राइमरी केयर लेवल पे डायबिटिक पेशेंट्स में आपको फॉर द फर्स्ट टाइम इको कराएंगे और EF 40% से कम है, तो अब कैसे आगे दो तीन स्टेप्स होते हैं जो करने होते हैं। लेट्स डिस्कस दोज प्रैक्टिकल थिंग्स। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन ऑफ हार्ट फेलियर, क्योंकि अब हार्ट फेलियर का हॉरिजन बड़ा हो गया है। इट्स नॉट जस्ट सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, इवन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सो योर डेफिनेशन शुड बी कवरिंग एवरी काइंड ऑफ हार्ट फेलियर। इससे पहले ये हुआ करता था कि इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप, ये हम हार्ट फेलियर की डेफिनेशन दिया करते थे, हालांकि ये 2011 है। अब देखिएगा कि ये डेफिनेशन किस तरह हर किस्म के हार्ट फेलियर को कवर कर रही है। मीनिंग बाय, इट्स अ क्लिनिकल सिंड्रोम दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कार्डियक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू फिल विद और इजेक्ट ब्लड। यानी सिर्फ इजेक्शन का इशू नहीं है हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर अब फिलिंग का इशू भी है कि इम्प्रॉपर फिलिंग भी हार्ट फेलियर है। उसकी कैटेगरी हमने डिफरेंट कर दी है, लेकिन वो भी हार्ट फेलियर है। और इसी बुनियाद पे अब जो हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन हो गई है, दैट इज हेफ रेफ हेफ पेफ एंड माइल्डली सिस्टोलिक। ये वर्ड आप अक्सर सुनेंगे अब फ्यूचर में, हेफ रेफ और हेफ पेफ। हेफ रेफ क्या है? हार्ट रेट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और हेफ पेफ क्या है? हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। और एक कैटेगरी है माइल्डली रिड्यूस्ड EF 40-49%। ये क्लासिफिकेशन करने का मकसद ये है कि एक्यूटली कभी कभार ये सारे एक तरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी क्रॉनिक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अलग अलग है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जब आपके पास कोई एक्यूटली डिसनिक पेशेंट आता है, या इवन ये जो हेफ पेफ है ये क्रॉनिक स्टेबल डिसनिया भी देता है, मिडल एज फीमेल उबीस, और ये हाइपरटेंशन के साथ इन लोगों को हेफ पेफ होता है। एक्चुअली एक इन डिसप्रोपोर्शनेट SOB हो रहा होता है एज कंपेयर टू देयर वर्किंग। उसको हम बस उसके बेचारे की ऑर्गेनिक या फंक्शनल बना रहे होते हैं, दिस इज एक्चुअली हेफ पेफ। दे आर हैविंग हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, हैविंग इंक्रीज फिलिंग प्रेशर ड्यू टू LV हाइपरट्रोफी।
वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम अकॉर्डिंग टू दैट. इसमें अभी बहुत कोई स्टैंडर्ड मैनेजमेंट नहीं आई है, लेकिन कुछ चीज़ें आई हैं कि इस तरह आप मैनेज कर लें और ये कर लें वो कर लें. लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर को, कि आप क्या हार्ट फेलियर डील करने जा रहे हैं. टुडे आर टॉक विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट हैफ रेफ, विच इज हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. और वो क्लासिकल हार्ट फेलियर है जो हम डिफाइन किया करते थे कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इज क्लिनिकल सिंड्रोम. अच्छा, अभी भी ये इटियोलॉजी नहीं है, ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम है जिससे आप पिक करते हैं कि ये पेशेंट सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है. ड्यू टू एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन EF less than 40% resulting in acute or chronic symptoms of cardiac pump failure. ये फिर वो क्लासिकल जो हम हार्ट फेलियर डिफाइन किया करते थे. अब जब भी आप हार्ट फेलियर पेशेंट देखेंगे तो जहन फौरन क्लिक करना चाहिए पीछे वजह क्या है, क्योंकि इसमें से बहुत सी वजह ऐसी हैं जो करेक्टेबल हैं, जिन पे फर्दर वर्क करने की जरूरत होती है. ये नहीं होता है कि किसी का इको 35% तो अब सारी जिंदगी उसको बस एंटी फेलियर ट्रीटमेंट और इसका एक क्लियर इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस बन गया. नहीं, आपको ये पता चला कि इस पेशेंट को हार्ट फेलियर यानी हैफ रेफ सिंड्रोम है. अभी आपको इटियोलॉजी नहीं पता. एन इटियोलॉजी कैन बी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज विच इज कॉमनेस्ट, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, एल्कोहल अब्यूज, इडियोपैथिक विच इज मायोकार्डाइटिस, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड अदर थिंग्स, वेल्वुलर. ये वो कॉमन चार पांच चीजें हैं जो हमारे सेटअप्स में होती हैं. एल्कोहल आप कहते हैं शायद कुछ नहीं, एल्कोहल भी काफ़ी हद तक है हमारे सेटअप्स में, पी जाती है और क्रॉनिकली पी जाती है. तो ये पांच वजह तो ये ढूंढनी चाहिए आपको जब आप हार्ट फेलियर के पेशेंट को देखते हैं. ढूंढना किस तरह होगा वो अब हम आगे देखते हैं. जो अदर लेस कॉमन कॉजेज या एग्रीवेंट्स होते हैं वो साथ ये होते हैं कि एनीमिया है, थायराइड कॉम्प्लेक्स, ये बड़ी रेयर चीज़ें हैं, लेकिन दैट कैन ऑल्सो प्ले अ पार्ट इन causing heart failure. Symptom we all know, dyspnea, fatigue, exertional limitation, weight gain, poor appetite, cough. Examination की finding भी आप लोगों को पता है, इसलिए इन सब की details में हम नहीं जाते, लेकिन एक sequential approach बता रहे हैं कि you have to start with history, examination, investigation. अच्छा, अब ये जो history, examination and investigation of heart failure है, हमारा junior doctor भी खुश हो जाता है heart failure diagnose करने करके. दो objective और fulfill करने होते हैं, etiology और aggravant. भई ये 35% तो था, आज pulmonary edema के साथ अगर ये आया है तो लामहला कोई ना कोई additional चीज हुई है जिसकी वजह से ये stable heart failure unstable हो गया है. So you have to look for both of the thing. इटियोलॉजी, क्योंकि इस्केमिक हार्ट डिजीज अगर इटियोलॉजी में है तो दैट कैन बी करेक्टेबल. अगर मायोकार्डियम वाइबल है और आप पेशेंट को रीवेस्कुलराइज कर देंगे तो पेशेंट, और डायबिटिक्स में अक्सर साइलेंट एमआईएस हुए हुए होते हैं, फेलियर की वजह कोई साइलेंट एमआई एस्कीमिया होता है, उसका क्या वर्कअप है वो भी हम केस बेस पे जब जाएंगे. पहले हम एक इमारत बना लें कि किस तरह हार्ट फेलियर को अप्रोच करना है, कि इस तमाम वर्कअप से, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ईसीजी, एक्सरे, जो पिल्मरी आप वर्कअप कराते हैं, इससे आपको पहले ये सस्पिशन बिल्ड करना है, इज इट अ हार्ट फेलियर. अगर हार्ट फेलियर है तो इसके पीछे इटियोलॉजी क्या है, और फिर कंफर्मेशन इसकी. आजकल बीएनपी भी आ गया है जो एक्यूट में हेल्प करता है, और एको है दूसरी पार्ट जो इससे आप कंफर्म करते हैं. तो ये आपके बायोकेमिस्ट्री है जिसमें एक्यूट सिचुएशन में एंटी ब्रोएनपी प्रो बीएनपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सक्लूडिंग. इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि इसके और भी रीजंस होते हैं, राइट साइडेड प्रॉब्लम्स में भी बढ़ता है, पल्मोनरी बहुत सारी चीजों में बढ़ सकता है, लेकिन इसका नेगेटिव आ जाना कंफर्म कर देता है कि ये हार्ट फेलियर नहीं हो सकता. दूसरी चीज, आपको एलवी फंक्शन असेस करना पड़ता है आफ्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो कि आप एकोकार्डियोग्राफी से करते हैं. इस एल्गोरिदम को याद रखिए कि आपको कोई पेशेंट मिल रहा है विद सस्पेक्टेड हार्ट फेलियर इन अ नॉन एक्यूट सिचुएशन. असेसमेंट हार्ट फेलियर प्रोबेबिलिटी है पहले,
प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपने क्लिनिकल हिस्ट्री में किन चीज़ों को कवर करना है, ये देखें, ये सारी उन्हीं बातों को कवर कर रही हैं चीज़ें। ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की 2016 की गाइडलाइन से सारा मैंने, अभी ये लेटेस्ट भी आ गई हैं, लेकिन ये क्लिनिकल वर्कअप के लिए बहुत अच्छा। हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ CAD, हिस्ट्री ऑफ आर्टीरियल हाइपरटेंशन, टॉक्सिन, रेडिएशन, डायरेटिक्स यूज, ऑर्थोपनिया, PND, यानी ये वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव पूरे कर रही है कि डायग्नोसिस भी करना और इटियोलॉजी की तरफ भी जाना, सिमिलरली एग्जामिनेशन और फिर ECG। इस अंदाज से एल्गोरिदम पे चलते हुए की इशू इन न्यूली सिम्टोमेटिक पेशेंट इज दिस हार्ट फेलियर एंड इज देयर अ प्रेसिपिटेंट, ये दो चीजें। और अगर आपका हार्ट फेलियर एक्यूट है तो ये फैसला करना कि इसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस हैं या नहीं है, दैट कैन ओनली बी पिक बाय सिंपल सैचुरेशन देख लिया करें। 90% से कम है तो ये क्लिनिक पे रखने वाला पेशेंट नहीं है, ही मे नीड वेंटिलेटर एट एनी मोमेंट। तो इसको जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस हार्ट फेलियर इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, बिकॉज सम ऑफ द टाइम एक्यूट रीजन फॉर हार्ट फेलियर विच इज MI कॉमनली इन डायबिटिक्स, वो आपको टाइम नहीं देगा। तो आपने उसी वक्त, और इस पेशेंट को शायद चेस्ट पेन के सिम्टम भी ना आ रहे हो, सिर्फ ये एक घंटे की SOB के साथ आपके क्लिनिक पे लैंड करेगा क्योंकि आप इसके डायबिटीज फिजिशियन है, और आप हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट में ना सेचुरेशन देखी ना जहां आपको सेचुरेशन 90 से कम लग रही है, तो दैट मीन्स दिस इज अ क्रिटिकल पेशेंट, नीड टू बी ट्रीटेड एट सेकेंडरी और टर्शरी केयर सेंटर्स। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट पेशेंट, हार्ट फेलियर की एवेल्युएशन में डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर पहला स्टेप है, यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता, इटियोलॉजी एग्रीवेटिंग, और फिर आपको स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर भी डिफाइन करना होता है। स्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है, आजकल डिफरेंट ट्रीटमेंट्स डिवाइज होती हैं कि स्टेज वन में है आपका, स्टेज टू में है, NYHA क्लास, और उस बुनियाद पे। तो आपको अपने पेशेंट की एक बेसलाइन क्लास मालूम होना बहुत ज़रूरी है हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले। ये अब वो तीन एल्गोरिदम के बाद जो मैंने आपको बताए थे, हिस्ट्री, फिजिकल, ECG के बाद, अगर इनमें चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये हार्ट फेलियर है, जो एल्गोरिदम कहता है वो तो कहता है ब्रो BNP करें, और नो आ गया तो अनलाइकली हो गया हार्ट फेलियर, बट दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट, यानी इको से कभी कभार ज़्यादा महंगा ये हो जाता है, और रिजल्ट बाद में मिलते हैं। तो हमारे यहाँ अमूमन कल्चर ये होता है कि हम किस पे जाते हैं, एक्यूट सिचुएशंस में हम ये भी भेजें तो अच्छा है, कभी कभार अल्टरनेटिव डायग्नोसिस की तरफ जाने में हेल्प हो जाती है, तो ये नेगेटिव आ जाए तो ये भी, यानी ये एक मिक्स फीचर है, लेकिन गाइडलाइन सजेस्ट करती है कि इन तीनों चीज़ों के बाद, सस्पिशन के बाद, सबसे पहला टेस्ट NT-proBNP, अगर ये यस हो तो इको करें, और ये नो है तो अनलाइकली हो गया हार्ट फेलियर। ठीक है, इस एल्गोरिदम को जहन में रखें। अब हम केसेस पे आ जाते हैं, ये पूरी कहानी मैंने बिल्ड की है इस केसेस में आपकी हेल्प लेने के लिए कि अब हमने इसमें किस तरह चलना है। 50 ईयर्स डायबिटिक फीमेल विद ओकेजनल एक्सर्शनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 1 month, ये एक प्रैक्टिकल केस है जो आपके पास भी आएगा। एक 50 साल की फीमेल है जिसको 1 माह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अनयूजली बढ़ गई है, सो नीड हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो अभी हमने बात की थी। तो इसमें मैं आसान कर देता हूँ कि हम ये तीन चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, यही सेट जो हमने पहला एल्गोरिदम का स्टेप रखा था कि सजेस्टिव ऑफ हार्ट फेलियर सस्पेक्टेड है तो आपने असेस करना है इन तीनों स्टेप्स के बाद। हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक बोल्ड करके आपके रिविजन के लिए दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हिस्ट्री में पूछना ज़रूरी हैं, प्रीवियस MI की हिस्ट्री, एडमिशन, ये वो सारी चीज़ें, ये एग्जामिनेशन में ये सब कुछ चेक करना ज़रूरी है। अब ये दोनों चीज़ें आपने कर ली तो आपको जो आंसर मिला वो ये मिला, अलॉन्ग विद डायबिटीज शी इज़ हाइपरटेंसिव विथ हिस्ट्री ऑफ एन एपिसोड ऑफ स्वेटिंग चेस्ट हैवीनेस फॉर फ्यू आवर्स अबाउट 2 month बैक विद नॉर्मल रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या जहन में आ रहा है, कोई साइलेंट MI होके गुजरा है। इसमें तो आपको इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल गई, ये खोदनी पड़ती है
कि भाई आज से पहले क्या थी, महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है। फिर जब आप उसको बहुत ज्यादा लिबर्टी देंगे सोचने की और बताने की, देन शी विल कम अप विद समथिंग एंड सम टाइम यू मे डोंट फाउंड सच काइंड ऑफ हिस्ट्री। तो अब आपका लॉजिकल सीक्वेंस क्या बन रहा है कि शायद कोई स्किमिक इवेंट बैकग्राउंड में हुआ है दैट मे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड एलवी फंक्शन और उसकी वजह से इसको सिम्टम हो रहे हैं। अगला स्टेप हमारा जो अमूमन क्लिनिक पे जो लोग करते हैं वो ईसीजी होता है। अब जाहिर सी बात है, अब ईसीजी देखने का एक ऑब्जेक्टिव होगा, क्या ढूंढेंगे ईसीजी में, प्रीवियस क्यू वेव्स कोई भी। और ईसीजी की आज शायद आप लोगों को बुक्स मिली है, इसकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब की वीडियो के साथ आप ये ईसीजी पढ़ लें, मोटी मोटी एबनॉर्मैलिटी देखना आपको आ जाएगी। और ये वो मोटी एबनॉर्मैलिटीज होती हैं जो कभी कभार आपको डायग्नोसिस के लिए हेल्प या आपका सस्पेशन स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। ये इस पेशेंट की ईसीजी है, क्या नजर आ रहा है ईसीजी में, इंफीरियर लीड्स में क्यू मिल गई। तो अब वो सिम्टम्स का वो थोड़ा सा जो एलिमेंट था और इस क्यू के साथ अब आपका सस्पेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। विद आरबीबी भी है इस पेशेंट को, राइट बंडर ब्रांच ब्लॉक भी है। अब वैसे भी आपने एको के लिए तो जाना ही था, लेकिन अब आप एक अच्छे नजरिए, एक अच्छी सोच और एक अच्छे समझ के साथ जाने के ये हो सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी एकोकार्डियोग्राफी। इसके मुताबिक वैसे तो उसने एन प्रो बीएनपी दिया हुआ है, स्टेबल पेशेंट्स में प्रो बीएनपी का कभी मिलेगा, कभी बॉर्डरलाइन मिलेगा, लेकिन अगेन वही एक्सक्लूजन एक्सक्लूड कर देता है। इजेक्शन फ्रैक्शन 35% विद ए काइनेटिक इनफीरियर पोस्टीरियर वॉल। इसने क्या किया, आपका मजीद कंफर्म कर दिया कि ये, इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ये मैं इसकी तफसील आपको रिमाइंड कर देता हूं, इजेक्शन फ्रैक्शन 35% विद ए काइनेटिक इनफीरियर पोस्टीरियर वॉल, सिम्टम चल रहे हैं तो ये स्टेज बी से सी हार्ट फेलियर है, एसिम्प्टोमेटिक नहीं है। इटियोलॉजी इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज बन गई। अब आपको तीनों जवाब मिल चुके हैं, ट्रीटमेंट एंड फर्दर वर्कअप क्या होना चाहिए, कोई एक जवाब मिल जाए फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या होना चाहिए। जी ट्रीटमेंट, जी डायबिटीज की ट्रीटमेंट तो है ही है, वो तो करनी है, असेस करना है स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से फिर आगे चलना है। प्रीलोड कम करेंगे, डायरेटिक एसएआरबी, जी नेक्स्ट इवेंट से बचाना है तो क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर और एंटीप्लेटलेट। देखिए किस्तों में चीजें आती जा रही हैं। ये एंटीप्लेटलेट्स क्यों आ गई, क्योंकि इटियोलॉजी आपको लग रही है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, जब एंटीप्लेटलेट आई है तो स्टेटिन भी आएगी, स्टेटिन, हालांकि हर फेलियर में आप स्टेटिन नहीं देते, यहां देंगे क्योंकि इटियोलॉजी इस्केमिक हार्ट डिजीज लग रही है। एस इनहिबिटर या एआरबी या आरनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप ऑलरेडी दे रहे हैं तो बस वो देखेंगे कि आईएचडी के रिलेशन में वो सही डोज ले रही है या नहीं ले रही। आईएचडी के लिए हाई स्टेटिन देनी होती है, हाई इंटेंसिटी, तो ये बस देखना होगा। फर्दर वर्कअप, क्या इसको कोई फर्दर वर्कअप चाहिए, फर्दर वर्कअप फॉर रेजिडुअल स्कीमिया। 50 साल की फीमेल है, एक साइलेंट एमआई होके गुजर चुका है, कम अज कम थैलियम तो कर ले। सिम्टम अगर ऑनगोइंग स्किमिंग चल रहे हो तो एंजो भी की जा सकती है, लेकिन ऑनगोइंग अगर सिम्टम नहीं है तो फिर थैलियम कम अज कम करना चाहिए कि और टेरिटरीज का स्कीमिया। और इसमें काफी बातें तो हमने यहीं पे कर ली, एक हम सेकंड केस लेते हैं और फिर फाइनल कंक्लूजन हम इनकी मैनेजमेंट को, इसकी मैनेजमेंट में नहीं पूछूंगा, इसको हम मैनेजमेंट डिस्कस करके फिर। 70 years डायबिटिक विद सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड एग्रीवेटेड सिंस 2 weeks विद ऑर्थोपनिया इन पीएनडी। तो सिम्टम से पक्का लग रहा है कि ये फेलियर लग रहा है, तो वही तीन चीजें होंगी। हिस्ट्री आपने ली, हिस्ट्री ऑफ एमआई 5 years back, नो रिकॉर्ड अवेलेबल, नॉन कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट, हार्ट रेट 130 इरेगुलर, बीपी 90-70 विद इंस्पिरेटरी क्रेपिटेशन ऑल ओवर।
ये भी काफी हद तक लग गया कि मिल गई चीजें कि रेट भी बढ़ा हुआ है, इरेगुलरली इरेगुलर है, क्रैप्स आ रहे हैं, ये ईसीजी है। अब ये ईसीजी आपको क्या बता रही है? अब मैं सिर्फ ईसीजी की ब्यूटी दिखाना चाहता हूं कि एक पीस ऑफ पेपर आपको कितनी इंफॉर्मेशन अपने पेशेंट में दे देती है। सो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर आप अगर अपनी इमरजेंसी में भी कर सकते हो, अपनी क्लिनिक पे भी कर सकते हो, तो ये देखें इसमें क्यू वेव नजर आ रही है इंटीरियर लीड्स में, तो पक्का हो गया कि इसको पहले इंटीरियर एमआई हो चुका है। एट्रियल फिब्रिलेशन है विथ फास्ट वेंटिकुलर रेट, तो ये जो एक हफ्ते से एग्रीवेशन हुई है वो ये थी, जिसने फास्ट रेट ने इस अनस्टेबल को स्टेबल, दवाई शवाई नहीं लेते थे, पांच साल पहले एमआई हुआ हुआ था, अब एक हफ्ते पहले ये एएफ इन्होंने डेवलप किया, तो ये फेलियर में आपके पास थक करके आ गए। तो एक पेपर में एलवीएच भी है इसमें, वेरी गुड। तो ये देखें, ये मोटी मोटी एबनॉर्मैलिटी आपको ईसीजी में देखनी आ जाए तो आप बहुत सारी चीजों के एक पूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं कार्डियोलॉजी के, कि वो फॉरन इसमें भी देखें डायग्नोसिस हार्ट फेलियर क्लियर हो गया, एटियोलॉजी आईएचडी हो गई, एग्रीवेटिंग यहां पे एरिथमिया हो गया, स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर डी के करीब है इनका, सी या तकरीबन रेस्टिंग सिम्टम है, तो अभी पता चलेगा कि क्या है। एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब मैनेजमेंट की जो तरीकाकार होता है वो वी नो दैट इट्स ऑल टेकिंग केयर ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हमें पता है कि ये तमाम चीजें जो अभी हमने इटियोलॉजी में जिक्र की, ये देखिए ये सारी क्या कर रही हैं, किसी ना किसी सूरत मायोकार्डियम को इंजर कर रही हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोथ वे इनिशिएट ये कर देती हैं एज अ डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, और फिर आहिस्ते आहिस्ते ये अल्टीमेटली हेफ रेफ बना देती हैं पेशेंट को। क्या पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग के बाद आपकी लो इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाती है? ये जो मौका चल रहा होता है इस वक्त क्या चल रहा होता है, न्यूरो हार्मोनल चेंजेस, और वो न्यूरो हार्मोनल चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ईएफ डाउन हुआ तो पेशेंट को सिम्टम आने शुरू हो गए, यहां पे अमूमन हमें मौका मिलता है इसकी ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज करने का। आइडियली इस स्टेज पर ही इटियोलॉजी को प्रॉपर मैनेज करें तो इधर नहीं आएगा, इधर अभी पहला स्टेज शुरू हो गया हेफ पेफ, तो एग्रेसिव मैनेजमेंट और शुरू करें तो हेफ रेफ नहीं बनेगा। तो वो किस तरह करते हैं, वो आप इस पैथोफिजियोलॉजी को एड्रेस करते हैं, जो क्या है, रीनल एड्रेनल और सिंपैथेटिक एक्टिविटी दोनों मिलके ये अल्टीमेटली कर क्या रही होती हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एंड सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन, टैकीकार्डिया और वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये वो तीन ट्रायड हैं जो हार्ट फेलियर को बिल्ड कर रही होती हैं और अल्टीमेटली सिम्टम लाती हैं। तो आप इन्हीं को एड्रेस करते हैं विद सिंपैथेटिक एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर, रेनिन एस इनहिबिटर, स्पायरोनोलेक्टोन, और अब इसमें एक तीसरा ग्रुप आ गया है आर्मी, जिसको मैं एक फाइनल एल्गोरिदम में डिस्कस करके बताऊंगा कि कौन सी चीज किस जगह पे कब यूज की जाती है। कन्वेंशनल हमारी हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट बीटा ब्लॉकर एस और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट विद एज नीडेड डायरेटिक, फुरुसमाइड लाजमी नहीं होता है, फुरुसमाइड डिपेंड करता है आपके पेशेंट के फ्लूइड स्टेटस पे, अगर वो हाइपरवोलेमिक रह रहा है तो देनी है, अगर वो हाइपरवोलेमिक नहीं रह रहा, इवन 25% ईएफ का पेशेंट भी अपना फ्लूइड बैलेंस कर लेता है इनटेक के जरिए से ही, नो नीड टू गिव फुरुसमाइड। तो ये आपको जज करते रहना है अपने पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस कि क्या वो डायरेटिक के बगैर ही काबू में रह रहा है, फुरुसमाइड की मैं बात करूं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देना होता है। ये वो स्टेजेस से जो मैं बात कर रहा था इसको मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूं। अगर किसी में रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर है तो वो स्टेज ए है, अभी सिम्टम नहीं आए लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया, ये स्टेज बी है, एक बार सिम्टम आ गए तो स्टेज सी हो गया, और रेजिस्टेंस रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर हो गया तो स्टेज डी हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपका डायबिटिक पेशेंट क्या है, स्टेज ए हार्ट फेलियर है, आपका हाइपरटेंसिव पेशेंट क्या है, स्टेज ए हार्ट फेलियर है। हर वो पेशेंट जिसमें रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट फेलियर डेवलपमेंट मौजूद है इस स्टेज ए हार्ट फेलियर, ताकि आज से ही आप कंटेम्पलेट करें कि इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो ये अल्टीमेटली यहां जाएगा। और ये जो हम बड़े बदकिस्मत हैं कि ये जो स्टेज डी है हमारे यहां,
40-45 साल के लोग इस स्टेज डी में पहुंच चुके हैं और आजकल तो ये और बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम MI को सेव कर लेते हैं सबको 24 घंटे में 24-25 MIs को, जिसमें से कुछ शायद पहले मोर्टेलिटी हो जाया करती थी वो सब बच जाते हैं, बट देयर सेकेंडरी प्रिवेंशन इज नॉट अप्रोप्रिएट। प्रॉपर दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, ना शुगर कंट्रोल हो रहा है और ये MI सारे बच रहे हैं। तो ये बहुत जल्द आपको नजर आएंगे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस में 35%, 40% के यंग पेशेंट्स विद स्टेज सी और डी, अगर हमने प्रॉपरली इनकी ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट के साथ हार्ट फेलियर मैनेज नहीं किए। और ये नजर आ रहे हैं अभी ऐसे ऐसे, और ये बड़ी ही क्रिपल्ड लाइफ होती है, खुद मरीज भी और उसका एक दो लोग उसके साथ, बिल्कुल जो है ना वो बार बार एडमिशन होना और बहुत डिफिकल्ट। इसको मैं छोड़ देता हूँ, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये आखिरी एल्गोरिथम आपको दिखा के फिर फाइनल कंक्लूजन हम मैनेजमेंट्स पे आते हैं। देखिए ये पूरा एक कंक्लूड किया हुआ है AHA गाइडलाइन 2017 में हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के डिफरेंट स्टेजेस पे किस तरह आपने डिफरेंट चीज़ों को पोर इन करना है, और इसमें बहुत बड़ा चंक मैनेजमेंट का वो आपके पास ही है, प्राइमरी केयर फिजिशियन या फैमिली फिजिशियंस के पास होता है। उसमें क्या है, देखिए स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है एस्टैब्लिश डायग्नोसिस ऑफ HFrEF, असेस वॉल्यूम एंड इनिशिएट गाइडलाइन मेडिकल ट्रीटमेंट। और गाइडलाइन मेडिकल ट्रीटमेंट देखिए क्या है, ACE/ARB एंड बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक एज नीडेड, और बाकी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स को मॉर्बिडिटीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो वो, डायबिटीज है तो वो, उसके हिसाब से जो हार्ट फेलियर की बेसलाइन मैनेजमेंट है वो ACE/ARB, बीटा ब्लॉकर और डायरेटिक है। दीज आर द 3 ड्रग्स। अब क्या होता है, अगर आपका मरीज इसके बाद स्टिल ही इज इन क्लास 2-4 यानी सिम्टोमेटिक है, स्टेप 2 बता रहा हूं, सिम्टोमेटिक है, लेकिन अब क्या देखना है, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस 30 से ज्यादा, पोटेशियम 5 से कम, तो आप क्या ऐड कर सकते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये वो वाला स्टेज है कि अगर बेस पे सिम्टोमेटिक है, तो अमूमन हम ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट किस तरह यूज करते हैं, फ्रुसमाइड के कॉम्बिनेशन में। ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो फ्रुसमाइड के साथ आपके पास एल्डेक्टोन अवेलेबल होती है, क्योंकि आप अकेले यूज कर रहे हो तो हाइपरकैलेमिया के बहुत चांसेस हो जाते हैं ACE/ARB के साथ, तो कर सकते हैं बट केयरफुली मॉनिटरिंग पोटेशियम। और दूसरा क्या है, देखिए NYHA क्लास 2-3, एडिक्वेट ब्लड प्रेशर ऑन ACE/ARB, नो ARB और यानी इन दोनों पे रहते हुए BP ठीक रह रहा है। ये एक बड़ी गलती आजकल ER फिजिशियंस करते हैं, लो ब्लड प्रेशर सब कुछ, पता भी नहीं है कि ACE/ARB पे पेशेंट का प्रीवियसली ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स क्या था, उनको डिस्चार्ज करते हुए आर्नी पे डाल देते हैं। आर्नी किसी की शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि आपको पता हो कि वो पेशेंट ACE/ARB को अपने प्रेशर्स में टॉलरेट कर रहा था। आप रिप्लेस कर सकते हैं ACE/ARB को आर्नी से जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हो ACE/ARB पे, तो आप उसकी जगह पे फिर आर्नी दे सकते हैं और वो उसके BP टॉलरेट कर रहा हो। इसी तरह ब्लैक पेशेंट में हाइड्राजीन नाइट्रेट भी है, ऐसे पेशेंट्स जिनका EF बहुत डाउन है उसमें ICD का ऑप्शन भी है, ऐसे पेशेंट्स जिनकी ECG में बंडल ब्रांच ब्लॉक है और वो सिम्टोमेटिक हैं उसमें CRT का ऑप्शन भी है। आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी, तो इनकी जगह कहाँ है वो मैं आपको बता रहा हूं कि EF 35% से किसी हार्ट फेलियर का पेशेंट कम हो और उसको इवन VT/VF ना भी हुआ हो, ही कैन बी अ कैंडिडेट ऑफ ICD। लेकिन ये क्लास 1 नहीं है, क्लास 2A है। क्लास 1 ये है कि सर्वाइवर ऑफ कार्डियक अरेस्ट हो, तो क्लास 1। सिमिलरली आप CRT जो है कि आपने बाकी ECG देखी, बहुत ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस है और पेशेंट के सिम्टम दवाइयों से काबू नहीं हो रहे, ही कैन बी अ कैंडिडेट ऑफ CRT कहलाती है, क्रॉनिक रीसिंक्रोनाइजेशन, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। आप ऐसा पेसमेकर लगाते हैं जो ये जो बंडल ब्रांच ब्लॉक क्रिएट हो रहा है इसको वो नैरो कर देता है, कि एक उसका प्रोंग RV में लगता है कोरोनरी साइनस के जरिए, LV में लगता है, RV में लगता है और सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है।
इस ये सीआरटी की जगह है। अच्छा, एवरबर्डन जो है ये है कि अगर कोई बीटा ब्लॉकर पे रहते हुए पूरी डोज आप दे चुके हैं उसके बावजूद उसका रेट 70 से ज्यादा रह रहा है, या वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा बीटा ब्लॉकर और उसका रेट 70 से ज्यादा है, तब आप एवरबर्डन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एवरबर्डन दी, वो बीटा ब्लॉकर दी ही नहीं और एवरबर्डन शुरू कर दी, या बीटा ब्लॉकर की एक माइनर सी डोज दी हुई और एवरबर्डन साथ ऐड कर दी, ये गलत है। जब तक कि वो बीटा ब्लॉकर टॉलरेट कर सकता है आप रेट उससे कम कर सकते हैं, एवरबर्डन देने की कोई जरूरत नहीं। उस जगह उन पेशेंट्स में जगह बनेगी जहां आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते या डोज एस्केलेट नहीं कर सकते। ये अभी हम छोड़ देते हैं ट्रांसप्लांट और ये सारी चीजें। तो ये एक पूरी समरी है हार्ट फेलियर मैनेजमेंट की। लेट्स कम टू आर पेशेंट, ये याद होगी आपको मरीज, ठीक है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये ECG थी, ये थी फ्यूचर वर्कअप, इसके मुताबिक हमारा क्या होगा कि ये इसके मुताबिक ट्रीट किया आपने इस पेशेंट को भी 5 years बैक, नो रिकॉर्ड अवेलेबल, नॉन कंप्लाइंस टू ट्रीटमेंट। ये इसकी ECG थी, ये इसका है। इसका सिर्फ हम डिस्कस कर लेते हैं, अब वो वाला तो तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया था। इस पेशेंट का ECG आपके सामने रखी हुई है, थोड़ी सी एक रिविजन हो जाएगी, इसको एक्यूटली कैसे मैनेज करेंगे और लॉन्ग टर्म कैसे मैनेज करेंगे। इसका एको भी दिखा देता हूं मैं आपको। एको इसका मैं 25-35% था इसी तरह से जी। एक्यूट मैनेजमेंट पहले डिस्कस करते हैं। ये SOB में आपके पास आया हुआ है, ये रहा इंस्पिरेटरी क्रेपिटेशन ऑल ओवर, 90/70 का प्रेशर है, हार्ट रेट 30 है और ये सारी चीजें। एक्यूट मैनेजमेंट आपके पास क्लिनिक में लैंड कर गया है, जब तक कि एम्बुलेंस अरेंज हो रही है, आप रखेंगे तो नहीं अपने पास, फॉरन भेजें। AF को क्या करेंगे? डिजॉक्सिन, वेरी गुड, जिसने भी कहा, क्योंकि हार्ट फेलियर में है ये इस वक्त, बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, BP भी कम है, सो डिजॉक्सिन वुड बी अ गुड ऑप्शन, और IV डिजॉक्सिन देंगे मॉनिटर पे लगाते हुए। सर्टली इसका यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक्यूट इमरजेंसीज में आप उसकी वजह से ट्रीटमेंट होल्ड नहीं करते हैं, सारी चीजें भेजेंगे और डिच से इसका हार्ट रेट कंट्रोल करेंगे। प्रेशर 90 गो के है, लेकिन अगर पेशेंट वार्म है तो IV डायरेटिक दी जा सकती है। कभी कभार टेकीकार्डिया की वजह से प्रेशर्स कम आ रहे होते हैं और उससे अगर आपका आउटपुट आना शुरू हो गया तो फिर IV डायरेटिक ज्यादा से ज्यादा देंगे, क्योंकि इसको वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में चूंकि ISD पेशेंट है तो वही अगेन एंटीप्लेटलेट आएगी, स्टेटिन आएगी, बीटा ब्लॉकर आएगी अकॉर्डिंग टू प्रेशर। इसमें बीटा ब्लॉकर प्रेशर आ गए तो पहले आएगी, क्यों? ACE इनहिबिटर से पहले बीटा ब्लॉकर आएगी, क्यों? AF को ट्रीट करना है, एक ऐसी कोमॉर्बिडिटी मौजूद है जिसके लिए बीटा ब्लॉकर देनी जरूरी है, तो ACE इनहिबिटर से प्रेशर कम नहीं करेंगे, पहले बीटा ब्लॉकर दे के देखेंगे रेट कंट्रोल करने के लिए। अगर पेशेंट प्रेशर स्टिल मेंटेन कर रहा है तो ACE इनहिबिटर देंगे, वरना आपने ACE दे दी पहले और BP डाउन कर दिए तो बीटा ब्लॉकर की जगह नहीं रहेगी। एवरबर्डन का AF में कोई रोल नहीं है। तो आई थिंक हार्ट फेलियर इज काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू कैन रियली डिस्कस इट ऑन आवर्स एंड आवर्स, एंड स्पेशली मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, बिकॉज इट प्रेजेंट्स वेरिएबली विद डिफरेंट काइंड ऑफ इटियोलॉजी, विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस। इवन स्ट्रोक का पेशेंट हार्ट फेलियर पीछे इटियोलॉजी के पीछे हो सकती है कि उसकी प्रेजेंटेशन स्ट्रोक हुई लेकिन था उसको हार्ट फेलियर। तो इसमें तो आप इतना, तो इस वजह से मेरा ख्याल है यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। वो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हम करेंगे तो उसमें साथ ही कर लेंगे सारी चीज़ें।